गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोगों को व्याकरण का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार जो है पढ़ाए थे, उस पर आधारित जो अभ्यासात्मक प्रश्न है उसे मैं अभी बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था, वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ, रि इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, इसमें स्वर की परिभाषा स्वतःरम दीजिए। जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ इ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, रि, ए, ए, ओ, औ इत्यादि। उसके बाद जो है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तीसरा प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मात्रा से आप क्या समझते हैं? व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। इसकी कुल संख्या 10 है। जैसे आकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, रीकार, एकार इत्यादि। व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद में जो है यह अंगा प्रश्न है आपका, व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, ष, ज, ध, ञ, ट, ठ, ग, ध, ळ इत्यादि। अब उसके बाद जो प्रश्न है इसमें दो नंबर, इसमें स्वर तथा व्यंजन छांट कर अलग अलग स्थान पर लिखना है। तो एक तरफ आप लिख दीजिए, यहाँ पर दो में यहाँ लिखिए स्वर वर्ण, दूसरे तरफ लिखिए व्यंजन वर्ण। अब एक आय जो है क्या है? स्वर है, इसको आय स्वर में लिखेंगे। ज जो है व्यंजन वर्ण है, इसको ज में लिखेंगे। आ जो है स्वर वर्ण है, इसको स्वर वर्ण के सामने आ लिखेंगे। उसके बाद र व्यंजन वर्ण है, तालव्य श व्यंजन वर्ण है, ह्रस्व इ स्वर वर्ण है, स व्यंजन वर्ण है, श व्यंजन वर्ण है, दीर्घ उ स्वर वर्ण है, अ स्वर वर्ण है, रि स्वर वर्ण है, च व्यंजन वर्ण है। दो हो गया। उसके बाद आपका तीसरा जो है प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करो। इसमें पहला नंबर है, उच्चारण करते समय हमारे मुख से डैश निकलती है, तो इसमें आप भरेंगे। तीन का जो है आपको क में ध्वनि, ख में जो है आपको वर्ण, ग नंबर में आपको होना
अंतर में हो जाएगा स्वर और उसके बाद में हो जाएगा आपको व्यंजन। चौथ नंबर में होगा ग्यारह व्याप्त
उसके बाद है चक्कर, चक्कर उसके बाद है उच्चारण, सच्चाई, अब है टिड्डा, टिड्डा हो गया, उसके बाद हड्डी, उसके बाद है आपको अब तक मिट्टी, गिट्टी, उसके बाद है प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है ब्रीड है, अब है आपको आठ नंबर में है आपको जो है आठ नंबर में अध्यापक, उसके बाद है देवालय, विद्यालय,
मेहनत के दो भेद हैं। इसका सही उत्तर गा